हाय, दिस इज एनएच ग्रीन फ्रॉम ग्रीन इंग्लिश। आज हम स्टोरी ऑफ इंग्लिश चैप्टर 6, इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज का अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 6, इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज इन द वर्ल्ड टुडे इज इंग्लिश। आज की डेट में बहुत ही व्यापक रूप से जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती हैं वह इंग्लिश है। This does not mean that it has the largest number of native speaker. इसका मतलब यह नहीं है कि इसके speakers, native speakers जो हैं वह सबसे ज़्यादा हैं। Okay, Chinese enjoys this privilege. Chinese language जो है enjoy करता है इस privilege का, क्योंकि उसके पास ज़्यादा native speaker हैं, उसको विशेष अधिकार है, privilege सुविधा। बट इंग्लिश इज स्पोकन ओवर अ मच लार्जर एरिया ऑफ द वर्ल्ड देन चाइनीज। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज जो है चाइना से भी बड़े एरिया में जो है इंग्लिश का इस्तेमाल होता है। इनडीड, वास्तव में देयर इज हार्डली एनी कंट्री इन द वर्ल्ड विच डज नॉट यूज इंग्लिश एज वन ऑफ दीज फॉर्म्स। शायद ही कोई ऐसी कंट्री होगी जहाँ पे इंग्लिश इन दिए हुए फॉर्म्स यानी रूप में इस्तेमाल न होता हो। मदर टंग या फर्स्ट लैंग्वेज जिसे लैंग्वेज वन, सेकेंड लैंग्वेज या लैंग्वेज टू की तरह, फॉरेन लैंग्वेज FL की तरह यूज ना होता हो। इंग्लिश इज यूज एज अ मदर टंग ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज इन द UK, USA, आयरलैंड, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। इंग्लिश जो है मदर टंग, मातृभाषा या पहले लैंग्वेज की तरह इस्तेमाल होती हैं UK में, USA में, आयरलैंड में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में। दिस कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड द मदर टंग कंट्रीज। इन कंट्री को हम समान तौर पर मदर टंग कंट्री कह सकते हैं। इंग्लिश इज ऑल्सो यूज एज एन लैंग्वेज वन बाई द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ऑफ इंडिया। इंग्लिश जो है इंडिया के अंदर भी लैंग्वेज वन के द्वारा जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है उनके द्वारा इस्तेमाल होती है। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, एंग्लो इंग्लैंड और इंडियन, जो इंग्लैंड से हैं लेकिन इंडियन हैं, तो वैसे जो है कम्युनिटी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी हो सकती है या पर्शियन कम्युनिटी हो सकती है या आपके और भी कम्युनिटी हो सकती हैं, ज्यूस भी हो सकती हैं, तो ये कम्युनिटी जो है इंग्लिश इस्तेमाल करती हैं फर्स्ट लैंग्वेज की तरह। इंग्लिश इज यूज्ड एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन मेनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज सच एज इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया, नामीबिया, बोत्सवाना एट्सेट्रा। इंग्लिश जो है सेकेंड लैंग्वेज की तरह बहुत से एशियन और अफ्रीकन कंट्री में इस्तेमाल होती है, जिसमें इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया, नामीबिया और बोत्सवाना है। इन दिस कंट्रीज इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज। इन कंट्री में इंग्लिश जो है वह सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह इस्तेमाल होती है। अगेन, फिर इंग्लिश इज वाइडली यूज एंड स्टडीड एज अ फॉरेन लैंग्वेज इन मेनी नॉन इंग्लिश कंट्रीज सच एज। और इंग्लिश जो है बहुत ही व्यापक रूप से पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है कुछ फॉरेन कंट्रीज में जहाँ पे इंग्लिश जो है नॉन इंग्लिश कंट्रीज है, यानी अंग्रेज के कंट्री नहीं है, इंग्लिश बोलने वाली कंट्रीज नहीं है, जिसमें चाइना, जापान, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात्स, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, इराक, इरिट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, मैक्सिको, ब्राज़ील एट्सेट्रा है। द एक्सटेंट ऑफ द जियोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ इंग्लिश इज शोन इन द मैप। जियोग्राफिकल जो स्प्रेड है, इसका फैलाव है, वह इस मैप में देखा जा सकता है इंग्लिश लैंग्वेज के। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज डैट बिलोंग्स टू द होल वर्ल्ड। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो पूरे वर्ल्ड जो है इसे बिलोंग करता है। इट हैज़ अ ग्रेट लिटरेचर, इसके पास एक बहुत ही अच्छा साहित्य है, लिटरेचर है। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यह साइंस और टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज है। एंड इट इज यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ लर्निंग एंड कम्युनिकेशन। और इसका इस्तेमाल होता है पूरे विश्व में लर्निंग एंड कम्युनिकेशन में, सीखने में और बोलचाल में भी इस्तेमाल होता है। मेनी अदर लैंग्वेजेस आर एज इफेक्टिव एज इंग्लिश।
इन वन और मोर ऑफ दिस फील्ड्स। मेनी अदर लैंग्वेज, बहुत से दूसरे लैंग्वेज जो हैं एज इफेक्टिव एज इंग्लिश, इंग्लिश की तरह इफेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन इन वन और मोर ऑफ दिस फील्ड्स, किसी एक या इससे ज़्यादा फील्ड में। हाउ एवर एज अ मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन, हाउ एवर एज अ मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन, जब एक्सप्रेस करना हो या कम्युनिकेशन करना हो, कम्युनिकेट करना हो, तो इंग्लिश इज यूज इन मेनी मोर फील्ड दैन अदर मोस्ट अदर एंशियंट एंड मॉडर्न लैंग्वेज। अगर कम्युनिकेट करना हो या एक्सप्रेस करना हो तो इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो बहुत से पुरानी लैंग्वेज और नई लैंग्वेज में जो है इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। टुडे इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज द वर्ल्ड ओवर एज द लैंग्वेज ऑफ, आज जो है इंग्लिश को पहचाना जाता है पूरे वर्ल्ड में लैंग्वेज ऑफ, किस चीज़ की लैंग्वेज, इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स, इंटरनेशनल मार्केटिंग की बात हो, एकेडमिक एंड साइंटिफिक राइटिंग हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, साइंस से रिलेटेड हो, एयरपोर्ट पे भी ये इस्तेमाल होती है, ट्रैफिक कंट्रोल के लिए भी इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाता है, इवन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मीट्स जो होते हैं यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो खेलों के लिए जो सभाएं होती हैं उसमें भी इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाता है। इंडीड एज हैज ऑफन बीन सजेस्टेड, इंग्लिश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड, इसलिए इंग्लिश को जो है हम एक विंडो, खिड़की कहते हैं पूरे वर्ल्ड की। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।